हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। आज हम लोग स्टैंडर्ड 6 की जो हिंदी पाठ्यपुस्तक है बाल भाषा भारती, उसके हम लोग 10वें चैप्टर को पढ़ेंगे, 10th चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मदद के लिए तैयार है सेना। सेना मतलब देश के जो भी रक्षक हैं, रक्षक के जो टीम होते हैं, देश के जो रक्षक होते हैं, आर्मी हमारी जो होती है देश की, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, मतलब कि ग्राउंड पे लड़ने वाले मिलिट्री हो या फिर शिप में पानी के जहाज़ पे लड़ने वाले नेवी हैं या फिर हवाई जहाज़ के थ्रू लड़ने वाले एयरफोर्स वाले हैं, वो सब मिला के सेना कहलाते हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारी सेना के तीनों विभागों की शक्ति, साहस, शौर्य, बुद्धिमत्ता और सद्भावना पूर्व कार्यशैली को विश्व भर में सराहा जाता है। सीमाओं पर हमारे सैनिक अडग हिमालय की तरह रात दिन राष्ट्र की रक्षा में तत्पर हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय हमारे सैनिक अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। राष्ट्र के इन प्रहरियों के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, उसी की अनुभूति इस पाठ में कराई गई है। क्या है कि हमारे सेना के तीन विभाग है, जैसे मैंने कहा जल, थल और वायु सेना, तो ये सब बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही ये साहस वाले हैं, इनमें बहुत शक्ति है, इनको अच्छे अच्छे ट्रेनिंग दी गई है, अच्छे हथियार दिए गए हैं, ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत ही करेजियस है, बहुत साहस है इनमें, शौर्य है, ब्रेवरी है बहुत, है ना, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं देश के लिए। बुद्धिमत्ता, बहुत बुद्धिमानी से काम करते हैं कि जिससे कि आम जनता को नुकसान ना पहुँचे। और सद्भावनापूर्ण मतलब ब्रदरहुड का फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि ये सोचते हैं कि नहीं हमारे एरिया के लोगों को बचाएंगे, दूसरे एरिया के लोगों को नहीं बचाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत सद्भावनापूर्ण है, मतलब कि सबके बारे में एक जैसी भावना रखते हैं। और इस यही सब शक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता, शौर्य और सद्भावना पूर्व सब मिला जुला के जो ये काम करते हैं, कार्यशैली मतलब इनका जो काम करने का तरीका है, उसे विश्व भर में सराहा जाता है, पूरा वर्ल्ड उसका प्रशंसा करता है। ठीक है, सीमाओं पर मतलब बॉर्डर पर, बॉर्डर में हमारे सैनिक खड़े रहते हैं ताकि कोई बाहर के लोग घुस नहीं जाए हमारे देश में, बाहर के आतंकवादी हमारे देश में ना घुस जाए। तो सीमाओं पर हमारे सैनिक अडिग हिमालय की तरह, देखिए ये जो हमारे देश में जो हिमालय पर्वत है वो अडिग है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता, वो वहीं पे स्थित है, उसी तरह बॉर्डर्स पे हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, वह अडिग होकर खड़े रहते हैं, ना हिले वहाँ खड़े रहते हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, और रात दिन वह वहाँ ड्यूटी करते हैं ताकि हमारे राष्ट्र, हमारे नेशन की रक्षा में तत्पर है, ईगर है कि नहीं हमारे नेशन की वो लोग प्रोटेक्शन करेंगे, नेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी तरह जब प्राकृतिक आपदा होती है, हाँ नेचुरल डिज़ास्टर्स होता है, जैसे कि बहुत बड़ा तूफान आया या जो है बहुत बड़े भूमिकंप हुआ, ठीक है, अर्थक्वेक हुआ, तो उस समय जो है आम जनता की मदद करने के लिए ये सैनिक अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते हैं और आकर आम जनता की सहायता करते हैं ये सैनिक। ठीक है, राष्ट्र के इन प्रहरियों को मतलब राष्ट्र के इन सुरक्षा करने वालों को के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। सचमुच में यह जो भी कर रहे हैं, हम सब की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो हमारे मन में इनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए हमारे मन में इनके लिए। और यह जो पाठ है उसमें यही हमें एक्सपीरियंस कराया गया, उसी की अनुभूति हमें कराई गई है कि हमें हमारे मन में इनके प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए। बच्चों, हमारी सेना किसी भी बाहरी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सभी सैनिकों को युद्ध कला और अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया गया है। अनुशासन में रहते हुए कठोर प्रशिक्षण हासिल करने वाले हमारे जवानों के हौसले इतने मजबूत होते हैं कि वे किसी भी मुसीबत का पूरी तरह सामना कर सकते हैं। यही वजह है कि युद्ध ही नहीं, किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप आदि के कारण संकट में पड़े नागरिकों की जान बचाने के लिए भी सेना को बुलाया जाता है। प्राकृतिक संकट के अलावा दंगा फसाद, उग्रवाद, हड़ताल, दुर्घटना और कानून व्यवस्था बिगड़ने पर भी प्रशासन सेना को ही मदद के लिए बुलाता है। देश में ही नहीं, भारतीय सेना को संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले संघर्षरत देशों में शांति बहाली करने के लिए भी बुलाया जाता है। कांगो, सियरा लियोन, लेबनान, सूडान आदि देशों में भारतीय शांति सेना की भूमिका को कि विश्व भर में सराहना की जाती है। हमने बार बार देखा है कि जब भी किसी तरह का संकट आता है तो थल सेना, नौसेना और वायु सेना पूरे तालमेल के साथ
मदद को जुट जाती है। थल सेना भी सैनिक के सैनिक पूरे हौसले के साथ प्रभावित लोगों तक पहुंचते हैं, तो वायुसेना के MI-17 चेतक, चीता हेलीकॉप्टर, AN-32 और IL-76 जैसे परिवहन विमान राहत व बचाव सामग्री और बचाव व चिकित्सा दल को निर्धारित स्थान तक पहुँचाते हैं। तो जब भी हमारे देश पे कोई बाहरी देश हमला करता है तो उससे निपटने के लिए, उस हमले का जवाब देने के लिए हमारे सैनिक हमेशा पूरी तरह से तैयार होते हैं। ठीक है, हमारे सभी सैनिकों को युद्ध कला में, मतलब आर्ट ऑफ फाइटिंग में जो है, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया है, प्रशिक्षण दिया गया है और अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया गया, मतलब पूरा मॉडर्न और लेटेस्ट ट्रेनिंग उनको दी जाती है कि कैसे आर्ट ऑफ फाइटिंग हो, कि किस तरह वो जो है बाहर के देश के सैनिकों के साथ युद्ध कर सके, वो भी नए नए हथियारों की मदद के, नए नए हथियारों को चलाने की भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह उनको हर तरह के पूरे मॉडर्न और लेटेस्ट ट्रेनिंग उनको दी जाती है। अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न एंड लेटेस्ट प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। अनुशासन में रहते हुए कठोर प्रशिक्षण, मतलब कि वो पूरे डिसिप्लिन में उनको रखा जाता है। आर्मी में सैनिक पूरे डिसिप्लिन में रहते हैं, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, कितने बजे एक्सरसाइज करनी, कितने बजे ड्यूटी करनी, उनको पूरा वो ट्रेनिंग डिसिप्लिन में रखा जाता है। और वह कठोर प्रशिक्षण, बहुत ही टफ़ ट्रेनिंग उनका होता है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ़ भी होती है, पर उन्हें वो लोग वो ट्रेनिंग लेते हैं, टफ़ ट्रेनिंग उनको दिया जाता है और इसीलिए वो सब वो हासिल कर लेते हैं। जब उनको वो टफ़ ट्रेनिंग मिल जाती है तो वो किसी भी तरह का मुसीबत का सामना करने के लिए उनके हौसले मजबूत हो जाते हैं, मतलब कि वो अपने मन से बहुत डिटरमाइंड हो जाते हैं, उनका मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है या वो किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही इतनी अच्छी होती है। यही वजह है कि युद्ध ही नहीं, किसी भी प्राकृतिक आपदा, यही कारण है कि सिर्फ जब कोई कंट्री अटैक करता है उस समय ही नहीं, जबकि कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी होता है, जैसे प्रकृति अपना कठोर रूप जब दिखाती है, उस वक्त भी हमारे सेना के जवान आम जनता की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब ये प्राकृतिक आपदा क्या हो सकती है, जैसे बाढ़ आ गई, फ्लड हुआ, सुनामी हुआ, भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ या भूकंप हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये सब जब होता है तब जो नागरिक है, जो सिटीजन्स हैं, उनकी जान वो संकट में आ जाते हैं, मुसीबत में आ जाते हैं, उनकी जान खतरे में आ जाती है, उस समय ये सैनिकों को बुलाया जाता है कि ये इन सिटीजन्स की, इन नागरिकों की जान को बचाए, उन्हें संकट से बाहर निकाले। ठीक है, ये अब है कि नेचुरल क्लाइमेटी, प्राकृतिक आपदा के खिलाफ अलावा और क्या है, दंगा जब होगा, रायट्स होगा कंट्री में, एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आग जलाया जा रहा है, बम विस्फोट किए जा रहे हैं, या उग्रवाद हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कुछ हो रहा है कंट्री में, दूसरे टेररिस्ट लोग आके परेशान कर रहे हैं आम नागरिक को, या फिर हड़ताल हो रहा है, कहीं पर लोगों ने स्ट्राइक किया है और वो अचानक ही बहुत ही भयानक रूप ले लिया, मारपीट होने लगी, तो वहाँ भी सेना को बुलाया जाता है। किसी तरह की दुर्घटना, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जो कि आम जनता जो उसको संभाल नहीं पा रही, उस समय भी सेना को बुलाया जाता है। इसी तरह कानून व्यवस्था बिगड़ने पर, जब ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, जब पुलिस जो है वो कंट्रोल कर पाने की हालत में नहीं है, जब बहुत ही ज़्यादा क्राइम्स हो रहा है जो कि पुलिस अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है और लोग पूरे उग्र हो जा रहे हैं, लोग बहुत ही मतलब कि लड़ने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, लोग कानून के खिलाफ लड़ने लग रहे हैं, उस समय भी सेना को बुलाया जाता है। ये सबको उस समय जो प्रशासन है, मतलब जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है, वो सेना को मदद के लिए बुलाती है। ठीक है, कई बार होता है ना, स्ट्राइक हो रहा है, उसमें पुलिस बोलती है कि आप स्ट्राइक नहीं करिए, शांतिपूर्वक स्ट्राइक करिए, पर लोग नहीं मानते हैं, एक दूसरे पे बम फेंकने लगते हैं, आग जलाने लगते हैं, गाड़ियों को आग लगाने लगते हैं, फिर पुलिस को ऊपर भी पत्थरबाजी करने लगते हैं। उस समय जब पुलिस नहीं संभाल पाती है, तब सेना को बुलाया जाता है। ठीक है, और हमारी जो सेना है सिर्फ अपने ही कंट्री में सब काम नहीं करती हैं, दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र है ना, जो सभी देशों में जो है पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करता है ना, शांति और सुरक्षा देता है सभी राष्ट्रों में, तो वो भी हमारी सेना को बुलाता है कभी कभी और कई राष्ट्रों में उनको भेजता है। जो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले हैं, मतलब जो राष्ट्र जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेम्बर्स हैं,
जो राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के प्रोटेक्शन के अंदर है, संयुक्त राष्ट्र के प्रोटेक्शन के अंदर है, उनमें कई राष्ट्रों में संघर्ष चल रहा होता है, स्ट्रगल चल रहा होता है, राष्ट्र के भीतर ही बहुत वो सब कुछ कुछ नेशंस में अंदर ही बहुत गड़बड़ी हो रही होती है, तो वहाँ पे पीस मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए दूसरे देश के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र भेजता है। तो वैसे ही तरीके से हमारे देश के सैनिकों को भी संयुक्त राष्ट्र ने बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे राष्ट्रों में भेजा है, ठीक है, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल चल रहा है लोगों के बीच में। तो ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं, कॉन्गो है, सियरा लियोन, लेबनान और सूडान जो हैं, ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है वह हमारे देश के आर्मी को भेजता है कि वहाँ पे आप लोग पीस मेंटेन करा दीजिए, ठीक है। तो ये सारे देशों में भारतीय सेना इतने अच्छे से काम करती है कि भारतीय सेना की जो भूमिका होती है, उनका जो रोल होता है, जो रोल वो प्ले कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब वो जिस तरह से वहाँ काम कर रहे हैं उसकी बहुत सराहना की जाती है, उसकी बहुत तारीफ पूरे वर्ल्ड के लोग करते हैं। हमने कई बार देखा है कि जब भी बहुत बड़ा कोई संकट हमारे देश पर आता है तो जो थल सेना है, मतलब जो ग्राउंड पर लड़ने वाले मिलिट्री हैं वो, और जो नौसेना है, पानी के जहाज़ पर लड़ने वाले जो नेवी है, और जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, वो सब एक साथ मिल के लड़ाई करती हैं और एक साथ कोऑपरेट करती है, तालमेल करती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, कोऑपरेशन करती हैं एक दूसरे के साथ, और मदद करने की कोशिश करती है जब भी कोई संकट आता है। चाहे मान लीजिए किसी बाहर के देश ने हमारे देश पे आक्रमण किया है, तो ये तीनों जो सेना के ये हैं विभाग हैं, तीनों मिलकर एक साथ उस आक्रमण का जवाब देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लीजिए कहीं पे बहुत जो बड़ी बाढ़ आई है, तो वहाँ पे थल सेना के सैनिक पूरे हौसले के साथ प्रभावित लोगों तक पहुँचते हैं। वहाँ पे जो ये मिलिट्री जो है, जो ग्राउंड लेवल पे जो लड़ाई करते हैं, वो मिलिट्री वाले पूरे बहुत ही माइंड में स्ट्रांग डिटर्मिनेशन लेके पूरे हिम्मत के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। जहाँ बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, बड़े बड़े नदी के बीचों बीच फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए भी ये मिलिट्री के लोग पहुँच जाते हैं कि हम उनकी मदद करेंगे। इसी तरह उस समय क्या होता है कि वायुसेना के लोग भी आते हैं। वायुसेना के लोग कैसे कैसे विमान लेके आते हैं, MI-17 एक नाम है, फिर चेतक एक विमान है, चीता हेलीकॉप्टर एक है, AN-32 और IPL-76 जैसे परिवहन विमान, ये सब ट्रांसपोर्टेशन विमान है, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट विमान है, ये सब ऐसे जहाज है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्या मान लीजिए कहीं पे पूरा पानी भर गया है बाढ़ के समय, और वहाँ पे रास्ते सारे बंद हो गए हैं, और वहाँ के लोगों को खाना देना है, राहत सामग्री देनी, दवाइयाँ देनी है, खाना पहुँचाना है, तो ये सब जो हेलीकॉप्टर और ये विमान है जो कि परिवहन विमान है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ये जहाज है, ये जाके राहत और बचाव सामग्री वहाँ पे लोगों को ड्रॉप करते हैं ना, ऊपर से गिराते हैं वहाँ पे लोगों के लिए, खाने का फूड पैकेट्स गिराया जाता है और दवाइयाँ गिराई जाती हैं वहाँ पे, ठीक है। साथ ही साथ ये चिकित्सा दल को, डॉक्टर्स की टीम को भी एकदम जहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ या तूफान आया है वहाँ पे ये डॉक्टर्स की टीम को पहुँचाते हैं लोगों की मदद करने के लिए। इसी तरह मान लीजिए रास्ता टूट गया है, नदी के बीच ऊपर का पुल टूट गया है, ऊपर के पुल को ठीक करना है, तो उस पुल को जो है सेना के जवान जो है या सेना के इंजीनियर जो है कुछ ही घंटों में पुल बना देते हैं। वो लोग इतना फास्ट काम करते हैं बिना रुके कि कुछ ही घंटों में पूरा पुल बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह संचार व्यवस्था ठप हो जाए, किसी बाधा को पार करने के लिए सेना के इंजीनियर कुछ ही घंटों में पुल बना लेते हैं। संचार व्यवस्था ठप हो जाए तो सिग्नल कोर के जवान उसे दुरुस्त कर देते हैं। समुद्र में यदि कोई जहाज संकट में हो तो किसी तरह की आपदा आए तो नौसेना के जवान तुरंत मदद के लिए रवाना हो जाते हैं। दिसंबर 2004 में जब सुनामी के कारण भारत के पूर्वी तट तथा पड़ोस में श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव जैसे देशों में तबाही मची, तब हमारी नौसेना ने सबसे पहले मदद पहुंचाई। अगले ही वर्ष जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से तबाही हुई। उस वर्ष हुई बर्फबारी इतनी भयानक थी कि लोग उसे सफ़ेद सुनामी कहा गया। तब सेना ने ही लोगों की मदद की। उसी वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर में भयावह भूकंप के कारण हजारों लोग मारे गए। भारतीय सेना ने न केवल अपने लोगों की मदद की बल्कि पाकिस्तानी फौज को भी मदद दी थी, ठीक है। तो मान लीजिए कहीं का पुल टूट गया है, लोग नहीं जा पा रहे इधर उधर, तो बाढ़ के कारण, तब सेना के इंजीनियर कुछ ही घंटों में रात दिन काम करके वहाँ पे पुल बना देते हैं,
ठीक है। इसी तरह संचार व्यवस्था ठप हो जाए, मतलब कम्युनिकेशन जो है वह बिल्कुल तरह से टूट गया है, जो है टेलीफोन लाइंस टूट गए हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बुरे बाधित हो गई है, तो वो सब को जो है वो सब भी जो है सिग्नल कोर के जवान जो हैं, मतलब एक होते हैं सेना में भी जो कि ये कम्युनिकेशन को सब मेंटेन करते हैं, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन रुके नहीं, टेलीफोन लाइंस चलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती रहे, हाँ तो वो सब, या फिर कोई टावर गिर गया है उसको ठीक कर दे, तो ये सब वो सिग्नल कोर के जवान करते हैं, तो वो भी फटाफट ये सब काम तुरंत तुरंत कर देते हैं, आके हमारे लोग जब संकट में रहते हैं तो उनको इस तरह मदद पहुंचाते हैं। इसी तरह समुद्र में यदि कोई जहाज़ मुसीबत में है, मान लीजिए वह डूब रही है वह जहाज़, या उसके जो है ईंधन ख़त्म हो गया है, या उस पर किसी दूसरे जहाज़ के लोगों ने अटैक कर दिया है, तो उस समय भी जो है हमारे सेना जो थल सेना के जवान हैं वो अपने जहाज़ों के थ्रू वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है कि 2004 दिसंबर में जो है इंडिया के जो पूर्वी तट है, मतलब ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे उस तरफ की आई थी सुनामी आई थी, ठीक है। उस समय अपने जो पड़ोसी देश सब है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव जैसे देशों में बहुत तबाही मची थी, समुद्र से बहुत बड़े बड़े तूफान के लहरें आ रही थी और लोगों को बहा के, सामान को बहा के सब अपने तरफ साथ ले जा रही थी। उस समय जो है उसमें भी जो हमारी नौसेना थी, नेवी की जो थी, नेवी मिलिट्री का जो नेवी विंग थी, उसने बहुत ही मदद पहुँचाई, सबसे पहले उसने मदद पहुँचाई थी। फिर दिसंबर 2004 की बात है, फिर उसके बाद जो है जनवरी 2005 में जो जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, दूसरे साल इतनी बर्फबारी हुई कि जो है लोग उसे सफ़ेद सुनामी कहने लगे, लोग बहुत परेशान होने लगे, रास्ते सारे बंद हो गए, उस समय भी जाके सेना ने बहुत मदद पहुँचाई। और फिर उसी साल 2005 के अक्टूबर में है हमारे देश का एक जो कश्मीर का एक हिस्सा है उसे पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में कर लिया है, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, ठीक है, POK कहते हैं। तो जब जो है उस साल क्या हुआ कि अक्टूबर में 2005 में बहुत भयानक भूकंप आया और वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के समेत पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत भयावह भूकंप आया, हजारों लोग मारे गए। उस समय भी भारतीय सेना ने जाके लोगों की मदद की, जो लोग नीचे दब गए थे उनको निकाला, उनको सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया, और उस समय उन्होंने पाकिस्तानी सेना जो उधर आई थी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, उसकी भी उन्होंने मदद की थी। कुछ साल पहले कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण बिहार में भारी तबाही मची थी। नेपाल में नदी का तटबंध टूट जाने के कारण आई इस बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ली, लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई और हजारों मकान डूब गए, मवेशियों के मारे जाने की तो कोई गिनती ही नहीं थी। सेना ने नौकाओं, हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों के जरिए लोगों तक राशन और राहत सामग्री पहुंचाई। हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ के कारण सेना को बुलाया जाता है, इसके लिए सेना पूरी तरह तैयार रहती है। सेना के पहुंचने भर से संकटग्रस्त लोगों में हिम्मत आ जाती है। जैसा कि शुरू में बताया गया, सेना को बाहरी युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन अब आतंकवाद की आड़ में पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए छद्म युद्ध से भी सेना लोहा ले रही है। पिछले 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर में और 50 साल से भी अधिक समय से पूर्वोत्तर में उग्रवादियों से सेना जूझ रही है। अब देश में नक्सलवादी हिंसा का दौर चल रहा है। सेना को नक्सलियों के खिलाफ नहीं उतारा गया, लेकिन नक्सलियों से लड़ने वाले पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को प्रशिक्षण देने का काम सेना के रिटायर्ड अफसर ही कर रहे हैं। अब कुछ साल पहले की बात बताई जा रही है कि बिहार में जो है कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे अक्सर उस नदी में बाढ़ आ जाती है तो बिहार के बहुत इलाके डूब जाते हैं। तो उस कोसी नदी में बहुत ही भयानक बाढ़ आई थी और बिहार में बहुत ही भारी तबाही मच गई थी। वो नदी का एक हिस्सा जो है वो नेपाल की तरफ भी जाता है, तो नेपाल में नदी का तटबंध टूट गया था, मतलब नदी के जो किनारे हैं उनको बाउंड्री करके उसको किसी तरह रोका गया था, वहाँ पे बनाया गया है बाउंड्री जैसा ताकि पानी बाहर की तरफ ना चला जाए, पर वह जो बाउंड्री जैसा बनाया गया था, तटबंध जिसको कहते हैं, नदी के किनारों को तट कहते हैं, तो वही तटबंध जो था, जो बाउंड्री बनाई गई थी नदी को एक जगह रोक के रखने के लिए, वह पूरी टूट गई और बहुत नदी के पानी ज़ोर से बहने लगा और बहुत भयानक बाढ़ आ गई और हजारों लोगों की जान चली गई, कई हेक्टेयर फसल भी नष्ट हो गई, खेतों में पानी घुस गया, लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट हो गई और हजारों मकान डूब गए। यहाँ लाखों हेक्टेयर बोला जा रहा है,
मतलब जो एरिया है ज़मीन का, जो एरिया है उसको हेक्टेयर में हम लोग करते हैं ना, किलोमीटर स्क्वायर और हेक्टेयर ये सब में, तो लाखों हेक्टेयर की ज़मीन में जो फसल लगी हुई थी वह सब नष्ट हो गई। और मवेशी मतलब कैटल जो है, गाय बैल और बकरियां भेड़, ये सब बहुत डूब गए। उनकी तो कोई गिनती नहीं गई, डूब के मरे गए, इतने सारे थे कि उनकी गिनती करना भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, उस समय सेना ने क्या किया, सेना नौका में बैठ के, बोट्स में बैठ के, हेलीकॉप्टर्स में और ट्रांसपोर्टेशन जहाज जो है, परिवहन विमान जो है उसके थ्रू लोगों में, लोगों ने राशन और राहत सामग्री पहुंचाई। सब तरफ पानी भरा हुआ है, लोग बीच में फंसे हुए हैं, तो वहां कैसे जाएंगे, तो नौका से बैठ के जा रहे हैं, प्लेन से उड़ के जा रहे हैं और वहाँ पर ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, खाने का सामान दे रहे हैं और राहत सामग्री, उनके कपड़े वपड़े भींग गए हैं तो उनको नए कपड़े दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, सब उन लोगों ने पहुँचाई। हर साल देश के किसी न किसी हिस्से में बाढ़ आती है, हम लोग हर साल न्यूज़ में सुनते हैं, तो उस वक्त सेना को हमेशा मदद के लिए बुलाया जाता है। इसके लिए सेना हमेशा तैयार रहती है कि हाँ, जब उनको प्रशासन, उनको सरकार मदद के लिए बुलाएगी वह जाएंगे। सेना जैसे ही पहुंचते हैं तो जो संकट में फंसे हुए लोग होते हैं ना, उनके मन में हिम्मत आ जाती कि सेना अब आ गई, अब हमारी जान को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह सेना को बाहरी युद्ध लड़ने के लिए, मतलब जब दूसरे देश के सेना हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उन वो उस बाहरी युद्ध को लड़ने के लिए सेना को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अब जो है पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान खुद ही लड़ाई कर रहा है, पर वह कहता है कि नहीं, ये हम नहीं लड़ रहे, या आतंकवादी अटैक कर रहे हैं, टेररिस्ट जाके आपके देश में घुसकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या पाकिस्तान के इसमें कुछ भी हाथ नहीं है, पाकिस्तान ऐसा बोलता है। तो एक तरह से पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वार कर रहा है, छद्म युद्ध जिसको बोलते हैं, नकली युद्ध कर रहा है, जिसमें वह यह दिखाता है कि वह खुद नहीं युद्ध कर रहा है, पर एक्चुअली वह आतंकवादियों की मदद कर रहा है यह युद्ध करने में। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो सेना जो है उससे भी लोहा ले रही है, मतलब सेना वो छद्म युद्ध जो हो रहा है, नकली लड़ाई एक तरह की हो रही है, उससे भी सेना को सामना करना पड़ रहा है। पिछले 20 ईयर्स से, 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर में और 50 साल से, 50 ईयर्स से भी ज़्यादा पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, आसाम और त्रिपुरा और अगरतला, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो एरियाज हैं वहाँ पर उग्रवादी जो हैं, उग्रवादी से सेना जूझ रही है। वहाँ जो, वहाँ पे भी जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ जो है सेना को हमेशा लड़ाई करनी पड़ रही है, कश्मीर में भी और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी, पिछले 20 ईयर्स से जम्मू कश्मीर में और 50 ईयर्स से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में। अब देश में नक्सलवादी हिंसा का दौर चल रहा है। क्या होता है कि जो है बहुत जो कॉमन पब्लिक होते हैं उनमें से ही कुछ गलत रास्ते पे चल जाते हैं और वो ही एक तरह के टेररिस्ट बन जाते हैं, या कहना चाहिए कि वो जो है अपने ही प्रशासन के खिलाफ लड़ना शुरू कर जाते हैं, अपने ही देश के लोग, और उस और वो कहते हैं, वो नक्सल कहलाते हैं। तो इस तरह नक्सलवादी हिंसा भी चल रही है देश में, जहाँ पे ऐसे लोग जंगलों में छिपे रहते हैं और इधर उधर अटैक करते हैं, मौका देख के आम जनता को परेशान करने की कोशिश करते हैं, प्रशासन को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो ये नक्सलवादी जो हैं उनके खिलाफ सेना को अभी उतारा नहीं गया, सेना को बुलाया नहीं जाता है उनसे लड़ने के लिए, पर उनसे लड़ने वाले जितने भी पुलिस हैं और अर्ध सैनिक बल कह रहा है, मतलब कि जो जो एक्चुअली सोल्जर्स हैं, पर उनको देश में जब कोई दूसरे देश अटैक करता है उस समय लड़ने के लिए उनको नहीं भेजा जाता है, उनको इसलिए अर्ध सैनिक बोला जा रहा है, उनको जो है देश के भीतर ही जो हिंसा हो रही है उससे लड़ने के लिए बुलाया जाता है, तो वो अर्ध सैनिक बल हैं, उनके जो जवान हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं और पुलिस के जो सोल्जर्स हैं उनको रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो सेना से रिटायर हो गए हैं वो लोग ही उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जो है वो लोग अच्छे से नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई कर सके। कई बार यह सवाल भी उठाया जाता है कि क्या हर बार के लिए सेना को बुलाया जाना ठीक है, इस तरह सेना को बार बार बुलाने से स्थानीय प्रशासन कमज़ोर बना रहता है, लेकिन सेना के अनुभव, साधन और अनुशासन के कारण सेना का कोई विकल्प भी नज़र नहीं आता। अधिक समय नहीं हुआ जब लेह में भूस्खलन के कारण जान माल की काफ़ी क्षति हुई, उस संकट में फंसकर कई सैनिक भी मारे गए, लेकिन लोगों की मदद के लिए सेना ने जो काम किया उसे बेहद सराहा गया, सैनिक अपनी परेशानी भूलकर लोगों की मदद कर रहे थे, वायुसेना ने कुछ ही घंटों में दलदल में डूबी हवाई पट्टी को ठीक किया,
राहत विमानों के उतरने का रास्ता साफ किया और त्वरित सहायता के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हाल ही में केदारनाथ क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा के बाद भारतीय सेना ने हजारों लोगों का जीवन बचाकर देश और मानवता पर बड़ा उपकार किया है। यही नहीं, भारतीय सेना आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में जी जान से जुटी रही। पूरा देश भारतीय सेना की इस अविस्मरणीय सेवा पर नतमस्तक है। कई बार पर्वतारोही या रोमांचक खेलों के शौकीन मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए कभी थल सेना तो कभी वायुसेना की मदद ली जाती है। कई बार विदेशी सैलानियों और पर्वतारोहियों को सेना ने बचाया है। सेना के जवान दूर दराज के इलाकों के नागरिकों और उनके बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना भी चलाते हैं। ऑपरेशन सद्भावना ऐसी एक योजना है जिसके तहत हिंसाग्रस्त इलाकों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है और महिलाओं को सिलाई व कढ़ाई के काम का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो कई बार लो है ना गवर्नमेंट भी कि आम नागरिक भी क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, अरे कुछ भी प्रॉब्लम हो सेना को बुलाना क्या ठीक है? इस तरह जो अगर हम लोग सेना को बार बार मदद के लिए बुलाएंगे तो जो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय प्रशासन जो है, वो क्या कमज़ोर नहीं पड़ जा रही है? वो अपने आप को मजबूत नहीं बना रही है? लेकिन क्या किया जाए, जो सेना का जो एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों को ये सब राहत काम करने का उनका जो एक्सपीरियंस होता है और उनका जो डिसिप्लिन होता है और उनके पास जो साधन होते हैं, उनके पास जो सामान होता है जिसकी मदद से वो कर पाएंगे, उसका कोई विकल्प नहीं मिलता, मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता। लगता है कि नहीं, सेना ही यह कर पाएगी, इसके अलावा और कोई नहीं है जो इस मुसीबत का सामना करने में सक्षम होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कुछ समय पहले लेह में भूस्खलन हुआ था, मतलब लैंडस्लाइड हुआ था और जान और माल की, मतलब लोगों की भी और प्रॉपर्टी की भी काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी क्षति हुई थी। उस संकट में फंसकर कई सैनिक भी मर गए थे। बहुत सारे सैनिक जो उसमें मदद करने के लिए गया वह भी मारे गए थे। फिर भी सैनिकों ने वहाँ इतना काम किया कि लोग आज तक उनको याद करते हैं। पूरी जो हवाई पट्टी रनवे जो है वहाँ के एयरपोर्ट का, वो पूरा दलदल में फंस गया था। उसको कुछ ही घंटों में वायुसेना के सैनिकों ने कुछ ही घंटे में दलदल में डूबी हुई हवाई पट्टी को पूरा साफ कर दिया, पूरा ठीक कर दिया, ताकि वहाँ पे तुरंत विमान उतर सके और लोगों को राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। ठीक है, विमानों के उतरने के लिए उन्होंने वह रास्ता साफ किया, हवाई पट्टी को पूरा साफ कर दिया, और चूँकि तुरंत सहायता दी गई, त्वरित सहायता दी गई, इसलिए हजारों लोगों को सुरक्षित उस लैंडस्लाइड में जो दबे जा रहे थे उनको वहाँ से निकाल लिया गया। फिर इस तरह हाल में केदारनाथ क्षेत्र में एक प्राकृतिक आपदा आई थी। क्या हुआ था, बादल फट गए थे, बहुत जोर की बारिश एक ही बार में हो गई, इतना पानी आ गया कि वह पानी बहते बहते घरों को बहाते ले गया, घरों को तोड़ दिया, कई जगह सारा सब कुछ टूट फूट गया वहाँ पे। तो वहाँ पे भी भारतीय केदारनाथ ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो उस समय भी भारतीय सैनिकों ने हजारों लोगों का जीवन बचाया था। वहाँ पे तुरंत सहायता पहुँचाई थी, बहुत लोगों का जीवन बचाया था। इस तरह उन्होंने हमारे कंट्री पे, हमारे देश पे और मानवता इंसानियत पे भी बहुत बड़ा उपकार था उनका। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, हम लोग पे उपकार किया। ठीक है, इसी तरह जो है भारतीय सेना आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों में जी जान से जुट रही। अब है कि जहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आई है, आपदा आई है, उसको आपदाग्रस्त क्षेत्र कहेंगे, तो वहाँ पे जो है भारतीय सेना क्या कि राहत तो पहले लोगों को दी, फिर लोगों को पुनर्वास, लोग जब दोबारा से अपना घर बनाना शुरू किए उसमें भी सेना ने उनको बहुत मदद की, उनके घर बनाने में, उनके सामान को सहेजने में लोगों ने उनकी बहुत मदद की, सेना ने उनकी बहुत मदद की और जी जान से जुटे रहे, पूरे अपने इच्छा से तन मन से वहाँ जुटे रहे। तो पूरा देश जो है, उन्होंने जब देखा कि भारतीय सेना ने इस तरह काम किया है, तो भारतीय सेना की इस अविस्मरणीय सेवा पर नतमस्तक है। अविस्मरणीय सेवा मतलब उनके ना भूलने वाली सर्विस, उन्होंने ऐसी सर्विस दी कि जो से हम जीवन में नहीं भूल सकते, उसके सामने हम लोग सबका नतमस्तक है, मतलब हमारा सर झुक गया है उनके सामने, हम लोग जो है उनको रिस्पेक्ट से हमारा सर उनके सामने झुक गया है। इसी तरह कई बार पर्वतारोही जो होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने जाते हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ पे, या रोमांचक खेलों के शौकीन कई होते हैं ना, दो पहाड़ों के बीच में रस्सी लगा के उस पर लटक लटक के जाते हैं, इस तरह एडवेंचरस खेल के बहुत लोग शौकीन होते हैं,
जो बहुत चाहते हैं कि नहीं एडवेंचर्स हो, वो लोग जब ऐसे जगहों पे जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं या समुद्र नदियों के ऊपर जाते हैं, कई बार वो भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। उस समय भी सेना जाके उनकी मदद करती है, कभी थल सेना तो कभी वायुसेना उनकी मदद करती है। कई बार विदेशी सैलानी और पर्वतारोहियों को सेना ने बचाया, कई बार जो ये तो विदेशी सैलानी मतलब फॉरेन टूरिस्ट जो आते हैं वो अचानक से मुसीबत में पड़ गए वहाँ पे, और ये जो माउंटेनियर्स हैं जो हम ट्रैकिंग के लिए गए वो लोग मुसीबत में पड़ गए, तब भी सेना उनकी मदद करती है। सेना के जवान दूर दराज के इलाकों और नागरिकों को, अब बहुत सारे रिमोट एरियाज़ हमारे कंट्री में हैं, दूर दराज के इलाके बहुत इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ की गवर्नमेंट अभी तक स्कूल वगैरह नहीं खोल पाई है या वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ज़्यादा है कि वहाँ स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं, तो उस वक्त भी वो सब एरियाज़ में भी वहाँ के सिटीजन्स के लिए और उनके बच्चों के कल्याण के लिए, उनके अच्छाई के लिए जो है सेना बहुत सारे कल्याणकारी योजना भी चलाती है, बहुत सारे प्लानिंग करके नया नया प्रोग्राम्स भी वहाँ पे चलाती है। उसी में से एक है ऑपरेशन सद्भावना, एक प्रोग्राम है सेना का, इसमें वो क्या करते हैं कि जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं जहाँ पे बहुत वायलेंस होता रहता है, हमेशा गोलियाँ चलती रहती हैं, बम गिराए जाते हैं, तो वो सब इलाके के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, तो बच्चों को जो है शिक्षा देने के लिए ये सेना के लोग सब एकजुट होकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देते हैं कि वो स्कूल जा सके। इसी तरह वहाँ की जो है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई ये सब के कामों की भी ट्रेनिंग देते हैं, उस समय सेना उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती है। तो इस तरह सेना हर फील्ड में हम देखेंगे हमारे देश के लोगों को मदद करती है, देश के लोगों की मदद करती है, इसीलिए हम सब सेना के आगे नतमस्तक है, हमें सेना के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखनी चाहिए। ये जो पूरा कहानी तो नहीं कहेंगे, ये पूरा सेना के बारे में जो भी लेख हम लोगों ने पढ़ा या रुक्मणी जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ, बड़ा चैप्टर था पर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा ना कि सेना क्या क्या नहीं करती हैं। सचमुच में सेना अपनी जान की परवाह किए बिना कितना कुछ करती हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, मैंने तो सारे वर्ड्स का मीनिंग आप लोगों को समझा दिया है, पढ़ते हैं तो आप इसको दोबारा से रीड करें, आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।